ओम सूर्य देवाय नमः। नमस्कार प्रिय भक्तों, आज मैं आपको सूर्य देव भगवान की कथा का श्रवण कराने वाली हूँ। जैसा कि आप सभी को विदित है, रविवार का दिन सूर्य देव भगवान को समर्पित है और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 9 ग्रहों में सूर्य देव को राजा माना गया है, जिनकी साधना आराधना करने से कुंडली के सभी दोष दूर हो जाते हैं। कुंडली में सूर्य यदि मजबूत अवस्था में हो तो व्यक्ति को समाज में खूब मान सम्मान और सुख समृद्धि मिलती है। तो आइए हम सभी श्रवण करते हैं सूर्य देव भगवान की कथा। कथा शुरू करने से पहले यदि आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। तो कथा शुरू करते हैं। रविवार के व्रत की तरह ही इस व्रत की कथा भी रोचक है। प्राचीन काल में एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। उनका नियम था कि वह हर रविवार घर आंगन गोबर से लीप कर भोजन तैयार करती और सूर्यदेव भगवान को भोग लगाकर ही भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार के धन धान्य से परिपूर्ण था। श्री हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार का कोई दुख विघ्न नहीं था, सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन, जिसकी गाय का गोबर वह वृद्धा लाया करती थी अपने घर को लीपने के लिए, वह विचार करने लगी कि यह वृद्धा सर्वदा मेरी गाय का गोबर लेकर जाती है, इसलिए मैं अपनी गाय को घर के भीतर बांधूंगी, जिससे यह वृद्धा गाय का गोबर कहाँ से लेके आएगी और कैसे अपना घर लीपेगी। फिर जैसे ही रविवार आया, वृद्धा ने देखा कि उसने अपनी गाय अंदर बांध ली। वृद्धा उस औरत के पास गई और बोली, बहन मुझे अपनी गाय का गोबर लेने दो, मेरा आज रविवार का सूर्य देव भगवान का व्रत है और मैं अपना घर लीप कर ही भोजन पकाऊंगी और सूर्य देव भगवान को भोग लगाऊंगी। उस पड़ोसन ने मना कर दिया। वो वापस आ गई और निराश होकर ना उसने भोजन बनाया ना भगवान को भोग लगाया और निराहार ही वह रात्रि को सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न दिया और भोजन ना बनाने का कारण पूछा। वृद्धा ने बताया कि भगवान मुझे आज गाय का गोबर नहीं मिला तो मैं कैसे घर को लीपती और कैसे आपको भोग लगाती। वृद्धा ने सारी स्थिति भगवान को बताई। भगवान ने कहा, माता हम तुमको ऐसी गौ देते हैं जिससे तुम्हारी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गाय के गोबर से लीप कर ही भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन ग्रहण करती हो, तो इससे मैं बेहद प्रसन्न हूँ और तुमको वरदान देता हूँ। निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर दुखों को दूर करता हूँ तथा अंत समय में मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान तो अंतर ध्यान हो गए और जैसे ही वृद्धा की आँख खुली तो वह देखती है कि उसके आंगन में एक अति सुंदर गाय और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गाय और बछड़े को देखकर अत्यधिक प्रसन्न हुई और उसको घर के बाहर ही बांध दिया और वहीं खाने को चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन ने देखा कि वृद्धा के घर के बाहर एक अति सुंदर गाय और बछड़ा है तो द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा। उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है तो वह उस गाय का गोबर ले गई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह रख गई। वह नित्य प्रति ऐसा ही करती रही। सीधी सादी वृद्धा को इसकी कोई खबर नहीं थी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से वृद्धा ठगी जा रही है, तो ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से बड़ी जोर की आंधी चला दी। वृद्धा ने आंधी के भय से अपनी गाय को घर के अंदर बांध लिया। प्रातःकाल जब वृद्धा ने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है तो उसके आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही और वह प्रतिदिन गाय को घर के अंदर ही बांधने लगी।
उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी है और उसका सोने का गोबर उठाने का कोई दांव नहीं चल रहा था, तो वह ईर्ष्या से जल उठी और कुछ उपाय सोचने लगी। कुछ उपाय ना मिलने पर उसने क्या किया, राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज मेरे पड़ोस में एक वृद्धा है, उसके पास ऐसी गाय है जो सोने का गोबर देती है, वह गाय राजाओं के योग्य है। उस राजा ने उस वृद्धा को बुलाया और उसकी सोने की गाय ले गया। वृद्धा गाय को खोकर बहुत दुखी थी। उस दिन वृद्धा ने गाय के वियोग में भोजन ना तो बनाया ना रूप भगवान को भोग लगाया और रो रोकर ईश्वर से गाय को पुनः मांगने के लिए प्रार्थना करने लगी। उधर राजा गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन जैसे ही सुबह हुआ उठा तो देखा सारा महल गोबर से भरा पड़ा है। राजा यह देखकर घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजन, गाय वृद्धा को लौटाने में ही तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे गाय दी थी। प्रातः होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गाय और बछड़ा लौटा दिया। उसकी पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से सारी गंदगी साफ हो गई। उसी दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राज्य की तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए सभी प्रजा और राजा रविवार का व्रत रखा करेंगे, और व्रत करने से नगर के सभी लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुखी रहने लगी। इस तरह से जो भी व्यक्ति रविवार का व्रत करता है और सूर्यदेव भगवान की इस कथा का श्रवण करता है, भगवान सूर्यदेव उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बोलिए सूर्यदेव भगवान की जय। रविवार व्रत की पूजन विधि। रविवार का व्रत कम से कम 12 व्रत अवश्य रखने चाहिए। हालांकि यदि संभव हो तो पूरे साल ही व्रत रखना चाहिए। सूर्य को जल देने के बाद भगवान सूर्य के बीज मंत्र की कम से कम 5 माला का जाप जरूर करें। इसके बाद रविवार की व्रत की कथा का श्रवण करें। व्रत के दिन सुबह स्नान करके लाल रंग के कपड़े पहनें और उगते हुए सूर्य को अर्घ दें। इस दिन केवल गेहूं की रोटी या गेहूं का दलिया और गुड़ का सेवन करें। ऐसा करते हुए जब आपके व्रत का संकल्प पूरा हो जाए तो कम से कम 2 ब्राह्मणों को आदर के साथ भोजन कराएं और अपने सामर्थ्य के अनुसार सूर्य से संबंधी दान दक्षिणा दें। धन्यवाद। जय सूर्यदेव भगवान।